महाराष्ट्र के नंदुरबार में सांप्रदायिक हिंसा, पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी के जश्न पर निकाले गए जुलूस के दौरान कल भड़की थी हिंसा, अराजक तत्वों ने जुलूस पर किया था पथराव। जुलूस पर पथराव होते मची भगदड़, घरों की छतों से जुलूस पर पथराव करते दिखे अराजक तत्व। मुस्लिम के जश्न के जुलूस पर पथराव के बाद बड़े तनाव के बीच चिराग अली मोहल्ले में तमाम गाड़ियों में लगाई गई आग, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़। चिराग अली मोहल्ले में गाड़ियों में आग लगाने के साथ बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, घरों में लूटपाट। ईद मिलाद उन नबी और अनंत चतुर्दशी एक दिन होने से प्रशासन ने मुसलमानों को जुलूस दो दिन बाद निकालने की अपील की थी, दो दिन बाद जुलूस निकालने पर भड़की हिंसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने महाराष्ट्र में कणकवली से भड़काऊ बयान दिया, मुसलमानों को दी चेतावनी। तुमच्यासाठी जसे मोहम्मद पैगंबर आहेत तसेच आमच्यासाठी गणेश गणपती बाप्पा आहेत, तसेच आमच्यासाठी स्वामी समर्थ आहेत, तसेच आमच्यासाठी हनुमान आहेत, देवता आहेत, म्हणून आमच्या देवी देवतांकडे वाकड्या नजरेने बघाल। तर उद्या तुमच्या पण ईद आणि मोहरमच्या मिरवणुक्यांवर तुम्ही शांत पद्धतीने काढू शकणार नाही। इससे पहले नितेश राणे ने कहा था हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, इस बयान पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। नितेश राणे के बयान पर महाराष्ट्र गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई, कहा वो हिंदूवादी हैं, कभी कभी वो जब बोलते हैं उनके अर्थ अलग निकलते हैं, संदर्भ में नारायण राणे और मैंने उनसे चर्चा की। कभी कभी जे कहीं बोलता तैसे वेगे अर्थ निकता, क्या संदर्भ स्वतः नारायणराव राणे साहबांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे, मी चर्चा केली आहे। विधायक नितेश राणे को देश की पार्टी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने दी धमकी, कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, आएंगे और अपने पैर पर जाएंगे स्ट्रेचर पर। शिवसेना यूबीडी के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, एआईएमआईएम और बीजेपी की भाषा एक जैसी, दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम है, ये तय करते हैं महाराष्ट्र में दंगे और हिंसा कैसे करवाना है। नागपुर में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, पटाखा शो के दौरान सात महिलाएं झुलसी, मची भगदड़। गणपति विसर्जन रूस में घायल हुई महिलाओं को उमरेर के ग्रामीण अस्पताल में कराया गया भर्ती, कुछ को आई है गंभीर चोटें। सुल्तानपुर सराफ अलूट कांड में शामिल एक और बदमाश इनकाउंटर में हुआ घायल, अब एसटीएफ में फरार बदमाश को अजय यादव की मुठभेड़ के दौरान मारी गोली। सुल्तानपुर के सराफ अलूट कांड के आरोपी अजय यादव को पुलिस ने घोषित किया 1 लाख का इनाम, मुठभेड़ के दौरान अजय यादव के पैर में लगी गोली। बदमाशों ने पुलिस के और एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग की, इसके जवाब में पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी। ये अपराधी का नाम अजय उर्फ डीएम है, ये वही अपराधी है जो 1 लाख रुपए का इनामिया है। अजय यादव से एसटीएफ की मुठभेड़ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा मंगेश यादव के इनकाउंटर की तरह आज भी सवाल जिंदा है, इनकाउंटर में कुछ को मारी जाती है गोली, कुछ से करवाया जाता है सरेंडर। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन का आरोप, सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी है क्षत्रिय, इसलिए अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका नाम अभी तक पुलिस ने भी नहीं बताया था, लेकिन जिस तरीके से बहराइच में बचे एक आदमखोर भेड़िए का हवाला देने के बीच फिर बड़ी दहशत, भेड़ियों का नया झुंड देखा गया, जिस भेड़िए की तलाश थी वो भी दिखा उसी झुंड के साथ। सूरत में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने 63 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जुलाई 2024 की लाभ रिपोर्ट आई सामने, टेस्ट रिपोर्ट में प्रसाद और फिश ऑयल के शामिल होने का जिक्र। सत्तारूढ़ टीडीपी का दावा, तिरुमला देवस्थानम को सप्लाई होने वाले घी में एनिमल फैट और फिश ऑयल की मिलावट। बीजेपी विधायक टी राजा का बयान, तिरुपति के प्रसाद लड्डू में बीफ फैट के मिले होने की जानकारी आई सामने, कहा जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल का पूरा मामला। तिरुपति के प्रसाद मामले में नया मोड़, वायएसआर कांग्रेस से हाईकोर्ट को दी अर्जी, चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच हाईकोर्ट निगरानी में कराने की मांग। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने जगनमोहन सरकार के वक्त गठित तिरुमला बोर्ड पर उठाए सवाल, कहा हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के साथ खिलवाड़। अखिल भारतीय संघ समिति राष्ट्र उपाध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने तिरुपति की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आक्रोश पैदा करने वाली बात है, कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में नाराजगी, सरकार के हाथ से मंदिर को मुक्त करने की मांग, मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भी नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की।
जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का जवाब, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में जबरदस्त नाराजगी, सरकार के हाथ से मंदिर को मुक्त करने की मांग, मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग। तिरुपति लड्डू विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा मुझे लगता है तिरुपति प्रसाद मामले की सीबीआई जांच की जरूरत है। प्रसाद मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन पर एनएसए लगाने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। तिरुपति प्रसाद मामले में एआर डेयरी प्लांट ने लैब रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा लैब रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज। एआर डेयरी ने कहा हमने मंदिर में खपत का 0.1% हिस्सा की सप्लाई किया, एनएपीएल से जांच के बाद हमने घी की सप्लाई की। धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट आत्मा का वध जप करने जैसा बताया, ये सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश है। जेपी नड्डा की खड़गे को लिखी जवाबी चिट्ठी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी, कहा 82 साल के नेता खड़गे का हुआ अनादर, बेहतर होता पीएम को चिट्ठी लिखकर या पीएम मोदी खुद देते जवाब। प्रियंका गांधी ने कहा नड्डा से आक्रामक पत्र लिखवाया गया, पीएम को अलग मिसाल रखनी चाहिए। दिल्ली में कल सीएम पद की शपथ लेंगे आतिशी, सीएम का सफर शुरू करने से पहले बीजेपी पर किया वार, बीजेपी शासित प्रदेशों से दिल्ली में सस्ती बिजली का किया दावा। आतिशी का दावा, दिल्ली में 47 लाख परिवारों का बिजली बिल जीरो आया। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, दिखा रहा था अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का ऐड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, पीएम ने अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का किया ऑनलाइन भूमि पूजन, साथ ही महाराष्ट्र के 1000 कॉलेजों में केंद्र का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार, पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह तीसरी बार जाएंगे जम्मू कश्मीर। आज 8 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, शनिवार को पल्लनवाला और पुंछ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कोलकाता में रेप हत्याकांड के खिलाफ स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म, शनिवार से लौटेंगे काम पर, कॉलेज में जारी रहेगा प्रदर्शन। मद्रास सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और बचाव के जारी किए दिशा निर्देश, मेडिकल केंद्रों में ऑन ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी और पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश। गोरखनाथ मंदिर में आई पुंगनूर गाय, सीएम योगी ने किया दुलार। राष्ट्रपति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले का केस लाने की मंजूरी दी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर फैसला आज, रेप केस में काट रहे उम्र कैद की सजा। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश के बाद बुंदेलखंड में रेल प्रशासन अलर्ट पर, प्रशासन के अफसरों द्वारा रेलवे ट्रैक का सर्च ऑपरेशन जारी। रोहतक में राहुल और फलोटरा गैंग में गैंग वॉर, 5 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 युवकों की मौत। संभल में दुष्कर्म पीड़िता की गोली मारकर हत्या, मां और भाई के साथ बाइक पर गांव जा रही थी युवती। हिंदू बनकर मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप, एक हिंदू महिला के साथ लव जिहाद और यौन शोषण का मामला। बांदा में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख से दबंगों ने मांगी रंगदारी, ना देने पर आरोपी बोले ज्यादा बड़े नेता बनते हो, पैसे नहीं दोगे तो जहां मिलोगे वहां जान से मार देंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में मस्जिद में हुआ तिरंगे का अपमान, बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जालना में बस ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, 28 घायल।